ब्रह्मास्त्र का बायकॉट अब बड़ा विकराल रूप लेता जा रहा है, जिससे पूरा बॉलीवुड थर्रा गया है। उज्जैन में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू चैनल पर, और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त विष्णु शरण। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फिल्म की रिलीज से पहले खुद को हिंदू दिखाने के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट महाकाल मंदिर में आशीर्वाद लेने गए थे, ताकि शायद लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। उनके साथ इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी थे। इस दौरान हिंदू संगठन के कई लोग वहां पर आ गए और रणबीर कपूर की 11 साल पुरानी बीफ टिप्पणी पर उनके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहां बता दें कि रणबीर कपूर ने कहा था कि वह एक बिग बीफ गाय है। बीफ वह बड़े चाव से खाते हैं और बीफ उन्हें बहुत पसंद है। बताया जा रहा है कि यहां विरोध करने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारी वीवीआईपी गेट पर जुटे रहे और जय श्री राम के नारे लगाए गए। मामला बिगड़ते तथा भीड़ को बढ़ता हुआ देखकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मौके से निकल गए, जबकि ब्रह्मास्त्र मूवी की टीम के अन्य लोगों ने महाकाल के दर्शन भी किए और पूजा अर्चना भी की। फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने भी मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके प्रार्थना और पूजा की। उन्होंने कहा कि उनका मंदिर आने का बहुत मन था और अब उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने बताया कि मेरी ख्वाहिश है कि फिल्म बहुत सफल हो, हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन हमें अभी इस बारे में बात नहीं करनी, बस लोगों को यह फिल्म अच्छी लगे। बहुत अच्छी फिल्म है, मेरा बहुत मन था कि फिल्म रिलीज होने के पहले एक बार मैं वापस महाकालेश्वर मंदिर में आऊं। बहुत ही अच्छी फिल्म है, मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि फिल्म अभी बस लग गई, फिल्म का पूरा काम खत्म हो गया, यहां का दर्शन हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। खुद को सबसे बड़ा बीफ लवर बताने वाले बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और उनकी पत्नी आलिया भट्ट को मंगलवार को महाकाल के दर्शन नहीं मिल पाए। मंदिर के बाहर खड़े हिंदू संगठनों ने काली पट्टी दिखाकर उनका जमकर विरोध किया। लोगों ने कहा कि वह रणबीर जैसे गौभक्षक को महाकाल के मंदिर में नहीं जाने देंगे। मीडिया पैनल के ऊपर रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गौभक्षक को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा बजरंग दल। इस बीच पुलिस कर्मियों द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पीटे जाने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई। बजरंग दल के नेता अंकित चौबे ने बताया कि हम लोग रणबीर कपूर का विरोध करने आए थे, उसने हमारी गाय माता को लेकर अश्लील बयान दिए हैं, उसके बीफ वाली टिप्पणी पर हम उसका विरोध करने आए थे, लेकिन प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। हम प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। बजरंग दल के नेता ने कहा कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को महाकाल बाबा के मंदिर में नहीं घुसने देंगे। ऐसे गौभक्षक को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा बजरंग दल, पूरे देश में उसका विरोध करता है और आज यहाँ पर वो अगर आया है तो उसको मंदिर नहीं जाने देंगे। वो मीडिया में कहता है कि बीफ खानी अच्छी चीज है, तो ऐसे गौभक्षक को हम महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देंगे, पूरे देश में उसका विरोध होगा। हम यहाँ काले झंडे दिखाने आए थे, हम शांतिप्रिय ढंग से विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की कार्यवाही से हम लोग काफी आहत हुए हैं, इसलिए प्रशासन की कार्यवाही का भी विरोध किया जाएगा। अब पहले हम रणबीर आलिया के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और फिर उसके बाद प्रशासन के खिलाफ। मित्रों, यहाँ बताते चलें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने जा रही है, इसी कारण वह महाकाल मंदिर में आए थे। हालांकि विरोध के बाद वह उज्जैन के जिला अधिकारी आशीष सिंह के घर पर रुके। जिला अधिकारी आशीष सिंह फिल्म डायरेक्टर अयान के दोस्त बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मंगलवार को उज्जैन में हुई घटना की अधिकतर वीडियो मौजूद हैं। इसके अलावा रणबीर कपूर का वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें रणबीर खुद अपने आप को बिग बीफ गाय कह रहे हैं। तो मित्रों, आपका इस विषय में क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।